Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to clear you the confusion between verb and noun. जो do है वो बहुत confusion करता है कभी कभी basic learners के लिए कि उसका हिंदी में जो meaning होगा वो क्या होगा, वही मैं आपको clear करा रहा हूँ कि उसे verb के रूप में use करना है और noun के साथ कैसे आप लगाकर उसे use कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। एक word है work। वर्क का मीनिंग होता है, दो मीनिंग होते हैं इसके, एक नाउन के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। एक ही शब्द है, दो रूप से आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सेंटेंस देख सकते हैं, आई डू माई वर्क डेली। यहाँ पर जो डू है वो वर्ब के रूप में आया है जिसका मीनिंग होता है करना। आई डू माई वर्क डेली, यहाँ पर जो डू है वो वर्ब है और जो वर्क है वो नाउन के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है। आप देख सकते हैं वर्क का मतलब हुआ है काम। आई डू माई वर्क डेली मीन्स मैं रोज अपना काम करता हूँ। डू वर्ब है और वर्क जो है वो नाउन के रूप में यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि आप यहीं पर दूसरे वर्ब को देखते हैं तो यहाँ पर हो गया है आई वर्क इन रिलायंस, मैं रिलायंस में काम करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने वर्क यूज़ किया है, यहाँ पर डू का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर जो वर्क है वो वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट मीनिंग हो गया है काम करना। ये जो काम करना है ये वर्ब है पूर्ण रूप से। मैंने आपको वर्ब की पहचान बताई है, लास्ट में इसमें ज़्यादातर जो है वो ना का यूज़ होता है, तो दोनों ही तरीक़ों से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आई डू माई वर्क डेली ये भी ठीक है और आई वर्क इन रिलायंस, मैं रिलायंस में काम करता हूँ, ये भी ठीक है। तो आप वर्क को जो है नाउन के रूप में यूज़ कर कर डू लगा कर यूज़ बना सकते हैं उसे वर्ब के रूप में, और जाएँ तो आप डायरेक्ट भी इसे यूज़ कर सकते हैं वर्क के रूप में। आई डू योगा, योगा एक नाउन है और यहाँ पर करने के लिए हो गया है डू, तो आई डू योगा मीन्स मैं योगा करता हूँ। योगा को इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई डू मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ। और या आप इसको बोल सकते हैं आई मेडिटेट। मेडिटेशन जो है वो नाउन है और मेडिटेट जो है वो वर्ब है, तो फिर दो वर्ब एक साथ नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर से हमने टू को हटा दिया है। मेडिटेट को हमने डायरेक्ट वर्ब के रूप में यूज़ किया है और यहाँ पर मेडिटेशन नाउन है तो हमें करने के लिए फिर यहाँ पर डू का यूज़ करना पड़ा है। तो तीनों ही सेंटेंस ठीक है, आई डू योगा मैं योगा करता हूँ करने के लिए, यहाँ पर भी करने के लिए डू का यूज़ है और मेडिटेट का मतलब ही होता है योगा करना, तो करने के लिए जो वर्ड है वो अलग से डू नहीं लगाना है आपको यहाँ पर। डू यू डू योगा, अब यहाँ आप देख सकते हैं दो बार डू का यूज हो रहा है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये जो पहला डू है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए लगा है। डू जो होता है वो एक हेल्पिंग वर्ब के लिए भी यूज होता है और एक वर्ब के रूप में भी यूज होता है, तो जब वाक्य के आगे हमें यूज किया है डू वो क्वेश्चन बनाने के लिए किया है, जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखते हैं। तो डू यू डू योगा, क्या तुम योगा करते हो, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया है, ये वर्ब करने के लिए और योगा यहाँ पर नाउन हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने कुछ आपका जो डाउट है कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने की कोशिश की है। कुछ और सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ उससे और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तुम्हें कोशिश करना चाहिए, इसके लिए इंग्लिश होगा यू शुड ट्राई। चाहिए के लिए जो वर्ड होता है वो होता है शुड और कोशिश करना, तो जो कोशिश करना वर्ड है उसके लिए होता है ट्राई। आप यहाँ पर इस सेंटेंस को ऐसे ना बोलें कि यू शुड डू ट्राई, कोशिश करने के लिए ट्राई और करने के लिए डू, आपको यहाँ पर ये नहीं लगाना है, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि कोशिश करना एक कंप्लीट वर्ड है, करना जो है वो साथ में जुड़ा हुआ है, इसके लिए सिर्फ ट्राई वर्ड आएगा, आपको डू लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यदि आप ट्राई का हिंदी मीनिंग चेक करेंगे तो उसमें आपको करना जो है ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा, तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। एक और एग्जांपल देते हैं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, बात करने के लिए हो गया है टॉक। यहाँ पर आपको डू का यूज़ नहीं करना है कि आई वॉन्ट टू डू टॉक टू यू, क्योंकि जो बात करना है वो एक कंप्लीट वर्ड हो गया है यहाँ पर, जिसके लिए जो है टॉक का ही सिर्फ आपको यूज करना है, अलग से डू नहीं लगाना है। मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्मोक, यहाँ पर पीने के लिए आपको ड्रिंक का यूज़ नहीं करना है,
क्योंकि जो सिगरेट पीना एक ही कंप्लीट वर्ड है जिसके लिए होता है स्मोक। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। डू यू डू जॉब, ये मैंने बताया आपको दो तरह से इसे यूज किया गया है। क्वेश्चन बना रहे हैं हम, पहला जो शब्द है डू वो हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा डू जो है वो करने के लिए हमने यूज किया है। जॉब मीन्स हो गया है नौकरी, और नौकरी करना तो करने के लिए हो गया है डू। क्या तुम नौकरी करते हो? डू यू डू एक्सरसाइज, क्या तुम एक्सरसाइज करते हो? डू यू डू यूअर वर्क ऑन टाइम, क्या तुम अपना काम समय पर करते हो? काम के लिए वर्क, करने के लिए डू, और जो हेल्पिंग वर्ब है क्वेश्चन बनाने के लिए वो भी डू है। डू यू वॉन्ट टू डू एमबीए, क्या तुम एमबीए करना चाहते हो? वॉन्ट टू मीन्स चाहते हो, डू मीन्स करना। वट डू यू डू, तुम क्या करते हो? वट डिड यू डू, तुमने क्या किया था? डिड मीन्स पास्ट टेंस के लिए जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। वट डिड यू डू मीन्स तुमने क्या किया था। वट विल यू डू, तुम क्या करोगे? फ्यूचर के लिए हम विल यूज करते हैं। वट डू यू वॉन्ट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो? आप देख सकते हैं यहाँ डबल से जो हमने डू का यूज किया आएगा, जो पहला डू डिड है, विल है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो लास्ट में हमने डू लगाया है वो वर्ब के रूप में हमने लगाया है। आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और डू जो है वो वर्ब के रूप में। ही डज नॉट डू हिज वर्क, वह उसका काम नहीं करता है। ही मीन्स वह, लड़का या लड़की की जब भी हम बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगता है, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में डज नॉट का हम यूज करते हैं, और डज नॉट के साथ में वापस से फर्स्ट फॉर्म आ गया है वर्ब का करने के लिए डू। वह अपना काम नहीं करता, सॉरी, वह उसका काम नहीं करता है। ही डिड नॉट डू हिज वर्क, उसने उसका काम नहीं किया था। प्रेजेंट टेंस में डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है, पास्ट टेंस में डिड नॉट का यूज होता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू डू माई वर्क, ये गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसे काट देते हैं हम। आई डू नॉट वॉन्ट टू डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करना चाहता हूँ। वॉन्ट टू चाहता हूँ के लिए। आई डू नॉट लाइक टू डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करना पसंद नहीं है। पसंद के लिए लाइक टू। आई डू नॉट नीड टू डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने की ज़रूरत नहीं है। वॉन्ट, लाइक, नीड और एक हैव टू, इनके सभी के साथ में जो है आप यहाँ देख सकते हैं डू नॉट का ही यूज होता है, तो इसे विशेष रूप से आप याद रखिएगा। आई डू नॉट नीड टू डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, और आई डू नॉट हैव टू डू माई वर्क, मुझे मेरा काम नहीं करना है। जो ना है के लिए जो हैव टू का हम यूज़ करते हैं, इसे विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इसका जो है यूज़ होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डू मैंने एक्सप्लेन किया है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और दूसरा डू जो है वो वर्ब के रूप में करने के लिए यूज़ हुआ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप यदि दो तीन बार इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये डाउट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के आप कुछ और सेंटेंसेस देखना चाहते हैं और डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, सभी तरह के सेंटेंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश में मेरी बुक में दिया है, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, जो अमेज़न पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं, या इस नंबर पर फ़ोन करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हुआ होगा, और सही इंग्लिश बोलने और लिखने में ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।